हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। तो जैसे आपको पता है, मैं हर दिन कम से कम इतनी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इन्फोसिस पे कि आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो क्लियर हो जाएगी, मतलब सॉल्व हो जाएगी। पर कुछ लोग मानते नहीं, हर दिन कमेंट करते रहते हैं ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा ना, तो ये जो लिखा हुआ है ना, एवरी क्वेरी सॉल्व्ड बाय इन्फोसिस एम्प्लॉय, हाँ ये सच है। ऐसा मैंने कुछ जस्ट व्यूज के लिए नहीं किया है। पूरी वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो कोई पसंद आती है तो उसे लाइक भी करना। और इन्फोसिस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो मेरे पास एक प्ले लिस्ट, मतलब की हमारे चैनल पे एक प्ले लिस्ट है, वहां पर जाके वीडियो को देख के अपनी क्या बोलते हैं जरूरत के अनुसार या अपनी क्वेरी के रिलेटेड वीडियो देख के अपने जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपनी वो जो पर्टिकुलर वीडियो जो क्यों बनाई है मैंने उस पर। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो या रेगुलर वीडियो हमारी देखते हो तो आपको पता है कि मैंने इन्फोसिस बहुत ही वीडियो बनाई है। पर स्टिल सब लोग, काफी लोग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना मिनिमम मतलब कि हर दिन ही पोस्ट होते हैं हमारे, मतलब कमेंट होते हैं। तो मैंने सोचा ना, चलो ये जो क्वेरी है ना, अगर मेरे से लगता है आपको कोई डाउट हो कि नहीं क्या पता कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो ये ना आपके इन्फोसिस एम्प्लॉय से मैं क्वेरी क्लियर करता हूँ। तो मैं पढ़ के पहले बताता हूँ क्या क्या हो। रिजल्ट नहीं आया है 3 महीने, क्राइटेरिया फॉलो तो नहीं होगा क्या, सिलेक्शन होने के बाद भी इन्फोसिस रिजेक्ट करती है, कितना वेट करेगा मेरे, मैंने इंटरव्यू दे दिया कितना रिजल्ट आने में वेट करना पड़ेगा, और प्रोसेस और प्रोग्रेस का जो ये कितने मतलब कोई मैटर भी करता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो हम एम्प्लॉय के मतलब प्रोफाइल पे चलते हैं, वहां पे यही सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे आपकी काफी क्वेरी वगैरह सॉल्व होगी। चलो मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, सीनियर एनालिस्ट लर्निंग एट इन्फोसिस, ठीक है। इन्होंने 6 दिन पहले ही क्या जॉब हायरिंग के लिए पोस्ट अपलोड की थी और वहां पे आपके ही कॉमेंट आए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे, सर आई एम सिलेक्टेड फॉर SC, कैन आई अप्लाई फॉर दीज रोल्स, सो यस यू कैन, ठीक है। और फटाफट हर चीज का रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे देखते हो, अभिषेक वर्मा, आई अप्लाई ट्वाइस इन SC रोल सेम मंथ बिकॉज दैट आई डोंट नो अबाउट द क्राइटेरिया एंड इन 1 एग्जाम आई फेस प्रॉब्लम ऑफ फेस डिटेक्शन एंड 2nd एग्जाम आई क्लियर्ड, सो आई क्लियर इंटरव्यू राउंड, सो इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आई रिजेक्ट by company, can I apply 3 months criteria for SC role even I have oval in hand, please reply। तो इन्होंने बोला कि joining date बताओ, तो इन्होंने बोला I got only selection letter, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन। देन आते हैं, सर आई हैव पास द इन्फोसिस असेसमेंट, माई इंटरव्यू वाज स्केड्यूल्ड फॉर March 7th, हाउएवर इंटरव्यू डिड नॉट ज्वाइन द इंटरव्यू, डू यू हैव एनी आइडिया माई इंटरव्यू विल रीस्केड्यूल, तो देखो इन 30 days योर इंटरव्यू विल रीस्केड्यूल। ये 3 दिन पहले इन्होंने रिप्लाई किया था। देखो 19 घंटे इनके बाद इनका आया कि थैंक यू सर, आई गॉट सर्वे मेल रिगार्डिंग रीस्केड्यूल माई इंटरव्यू, ठीक है। सर मैकेनिकल एलिजिबल फॉर दिस रोल, तो यहाँ पर जैसे कि ये तो ये वाली है, तो आप देख लेना, मैं भी सब लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे, सर आई अप्लाइड फॉर सिस्टम इंजीनियर रोल एंड माय इंटरव्यू कंप्लीटेड ऑन 21st Feb, बट स्टिल मतलब कि रिजल्ट नहीं आया। तो इन्होंने क्या बोला, इट टेक्स, तो मैंने भी देखो सेम ही बात बोली, ये हर बार 45 to 60 days टू गेट सिलेक्शन और रिजेक्शन मेलर, ठीक है, समझ गए आप। और उसके बाद फिर से यहाँ भी सेम क्वेश्चन, यहाँ भी इन्होंने वही सेम रिप्लाई किया हुआ है, टिल यू डोंट गेट रिजेक्शन मेल डोंट लूज होप। अगर आपको तब भी जो ब्रैकेट बताया हुआ 45-60 दिनों वाला, अगर आपको कोई मेल नहीं आता है तो तब भी आप अपना मतलब कि ये मत सोचो कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं भी कितनी बार बोलता हूँ, काफी टाइम लगता है। ये देखो यहाँ, सर माई एग्जाम वॉज 23rd Jan, इंटरव्यू 15th Feb, वेरी फ्यू 15 people गॉट सिलेक्शन मेल येस्टरडे बट आई गेट नथिंग, तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम आंसर। कुछ न्यू यहाँ पर देखो, रिसेंटली आई सिलेक्टेड फॉर सिस्टम इंजीनियर बट बाय मिस्टेकली माई डेट ऑफ बर्थ इज डिफरेंट इन माई इन्फोसिस एप्लीकेशन फॉर्म, विल इट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, यू नीड टू इन्फॉर्म टू रिक्रूटर टीम टू अवॉइड एनी इशू लेटर ऑन, तो ये है इनकी वो। सर बिफोर गेटिंग ऑफर लेटर डिड आई नीड टू इन्फॉर्म द रिक्रूटमेंट टीम आई मीन टैलेंट एक्विजिशन, तो इन्होंने कोई अभी रिप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे ये देखो 3-4 दिन पहले गई है, यहाँ पे भी ऐसी सेम क्वेश्चन, यहाँ 45 days to 60 days और यहाँ भी सेम क्वेश्चन। तो ये ना यहाँ पढ़ लेना, बाकी धीरे धीरे देखो 15 फरवरी को हुआ था इनका, और भी हम काफी मतलब हर एक कॉमेंट का इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है। तो मैं इनका ना लिंक भी आपको दे दूंगा, इनकी प्रोफाइल का था कि आपको भी। तो यहाँ पे देखो, Sir, I applied ये वाला क्वेश्चन आप बहुत आता है. I applied for Infosys OE and DSC role, but didn't got selected for interview on 9 Jan. Then I applied SC role in Feb and I got offer letter. Will Infosys withdraw my job offer as I did mention in my application? No, it won't withdraw. समझ गए, देख सकते हो आप ये जो क्वेश्चन होता है आपका. देन आपका I applied Infosys system engineer role and wrote exam 22nd Jan. Okay, not qualified in again applied March 2022. I cleared the test and interview in background verification. Offer letter. Any chance I get rejected because there is eligibility 3 months? Should I need to apply after 20 or please respond sir? If you won't give exam, then attempt isn't considered. तो ये आप समझ गए होंगे. फ्रेशर आर एलिजिबल यस. और अगला क्या है ये देखो. सर आई आप रिटर्न माई एग्जाम ऑन 20 फेब ड्यू टू फेयर मतलब कि हुआ नहीं. देन आई गॉट इंटरव्यू ऑन 13th बट डोंट नो वट माई चांसेस ऑफ क्लियरिंग इंटरव्यू. आई री अप्लाइड विदाउट द नोइंग द 6 months क्राइटेरिया. एम आई एलिजिबल फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम? यस यू कैन अप्लाई. ठीक है. और यहाँ पे देख सकते हो सर आई अप्लाइड DSPSP रोल ऑल्सो अटेम्प्ट द एग्जाम ऑन बट नॉट सिलेक्टेड. कैन आई अप्लाई बिकॉज देर इज 3 months क्राइटेरिया? हेल्प मी सर, आई एम ऑल्सो गिवन SC एग्जाम ऑन 23rd Jan एंड आई ऑल्सो गॉट सिलेक्शन मेल. इफ आई अप्लाइड फॉर दिस देन इट इफेक्ट माई जॉब. आई गेस यू आर ज्वाइनिंग डेट इज विद इन फ्यू मिनट्स. सो यार थोड़ा सा हम वो करते हैं इनका. ये देखो प्लीज यस यू कैन. ठीक है, ये इन्होंने बताया. I got offer letter for SC role. If I applied for, is there any problem or not? Yes, I guess your joining date is within 15 days. So I doubt how will you complete whole process for SC DSP? Can guide. Okay. तो यहाँ पर एक और प्रोफाइल है. ठीक है, देख सकते हो ये दोनों में. तो इनसे भी आप जाके क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो. ठीक है, ये देखो ये भी Infosys में ही है. देखो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर पे हैं ये लोग. तो यहाँ से इनसे भी जाके आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते. दोनों भाइयों का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए. वही ना, काफी लोगों को क्वेश्चन होता कि कुछ डाउट होता कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या पता. ये तो खुद Infosys में काम कर रहे हैं, ये लोग भी सेम ही लाइन बोल रहे जो मैं बोलता हूँ. सर आई ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर सिस्टम इंजीनियर रोल. आई एम फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच. कैन आई अप्लाई? ओनली मेंशन ब्रांचेस कैन अप्लाई. समझ गए. सर आई सिलेक्टेड सिस्टम. कैन आई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? यस. सो अगर आपकी ना क्या बोला डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. सेम क्वेश्चन रिजल्ट नहीं आया, सेम क्वेश्चन. तो आई थिंक ये जो सारे जो आपके डाउट्स थे ना, आई थिंक क्लियर हुए गए होंगे कि रिजल्ट नहीं आया, कब तक आएगा. सर ये अप्लाइड है सिलेक्शन, समझ ही गए हो. ठीक है, तो बस फिर यू कैन ट्राई बाय अप्लाइंग वंस. क्या लिखा? 12th बिलो 60%. आई एम एलिजिबल बट डिप्लोमा 60%. यू कैन ट्राई बाय अप्लाइंग वंस. सो यार देख लगते हो. Sir, if we selected the system engineer role, can I apply this role? Yes, I guess. ये देखो doubtful है but apply कर लो. Sir, I had applied for DSC role in Jan, gave my assessment but didn't got selected. Then I applied for SC role in next month, got the job offer. Will this affect my Infosys offer letter? ये देखो ये बहुत important question है और काफी लोगों ने पूछा है. You have received offer letter, then no need to worry. Hope you will be joining soon. If you wish, you can reveal how many days before joining you got offer letter, since it's a common question. तो यहाँ देख सकते हो अगर आपको offer letter आ गया है तो आपको कोई problem नहीं होगी, चाहे वो criteria हो 3 month 6 month वाला. ठीक है, अगर offer letter नहीं आता तभी कोई problem हो सकता है. ठीक है, तो I think सारे same question ही और सारे इन्होंने बताई दिए हैं. ठीक है, और हर क्वेश्चन क्या बोलते हैं तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि रिजल्ट कब तक आता है. कैन आई अप्लाई 3 months क्राइटेरिया फॉलोस. ठीक है, उन्होंने जैसे बताया ना कि अगर आपको ऑफर लेटर आ गया, चाहे आपने जनवरी में अप्लाई किया था और फरवरी वाले में अप्लाई किया, अप्रैल क्या बोलते हैं मार्च में अप्लाई किया और आपको ऑफर लेटर आ गया, तो कोई डरने की बात नहीं. सिलेक्शन रिजेक्शन, तो इन्होंने ये बोला कि अगर आपको ऑफर लेटर या सिलेक्शन मिल आता है तो आपको रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है. हाउ मच, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ हाउ लिखना. हाउ मच शुड आई वेट फॉर माई रिजल्ट? तो प्रोसेस क्या बोलते हैं ना, इन्होंने बोला कि 45 से 60 दिन. अगर इसके बीच भी नहीं आता है तो आप कोई बात नहीं, वेट कर सकते हो. तो बस फिर थैंक यू सो मच वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.